मैं अपनी धरती पर उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और एक प्रकार से ये मेरी आखिरी सभा है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मैं वोट मांगने के लिए जरूर आपके बीच में आऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज मैं गाने की एक लाइन याद कर रही थी, क्या था, दिल की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना और गुण तो ना थो कोई भी अवगुण मेरे भुला देना। मेरे अंदर गुण तो कोई नहीं थे लेकिन अवगुण मेरे जरूर भुला देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जरा उठाइए हाथ, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, मंच पर उपस्थित आज के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के स्वनाम धन्य उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव मौर्य जी, मंच पर उपस्थित नव निर्वाचित बुंदेलखंड बोर्ड के अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे झांसी के विधायक श्री रवि शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित श्री जवाहरलाल राजपूत जी, बिहारी लाल आर्य जी, मनोहर लाल पंत जी, श्री रामरतन कुशवाहा जी, श्री संजीव सिंह ऋषि जी, रामकिशोर साहू जी, जमुना प्रसाद कुशवाहा जी, जगदीश लोधी जी, प्रदीप सरावगी जी, श्री रविंद्र शुक्ल जी, श्री रामकृष्ण सिंगल जी, श्री हनुमत सिंह नरवरिया जी, श्री प्रदीप चौहान जी और हमारे बगल के सबसे लोकप्रिय और सबसे घूमने के लिए गांव-गांव में जनसंपर्क के लिए माने जाने वाले सांसद भाई श्री भानु वर्मा जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के ये उन सांसदों में से हैं जो निरंतर जनसंपर्क करते हैं और गांव-गांव भ्रमण करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें भाइयों तथा मीडिया के बंधु, मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी का अपने लोकसभा क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और केशव मौर्या जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारी तो बड़ी इच्छा थी, बड़े अरमान थे। पहले प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद पूरे देश का माहौल ऐसा बन गया कि हमें लगता था कि कार्यक्रम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर एक बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि एक भी सरकारी कार्यक्रम निरस्त नहीं किया जाएगा, मनोरंजन के कार्यक्रम निरस्त होंगे। हम निजी जीवन में कोई उत्सव मनाने वाले होंगे, राजनीतिक उत्सव, तो वो निरस्त होगा, लेकिन हम दुनिया को ये बताएंगे कि भारत की गति को कोई रोक नहीं सकता और इसलिए सरकारी कार्यक्रम निरस्त नहीं होंगे। और इसलिए आज ये कार्यक्रम के लिए मैंने नितिन जी को अनुरोध किया। मेरे मन में आशंका थी कि कहीं आचार संहिता ही न लग जाए, लेकिन भगवान की दया रही कि ये कार्यक्रम हो पाया। बस आज एक दुखद प्रसंग हो गया, रात से बहुत जोर से पानी बरसा, सवेरे तक बरसता रहा और मैं फसलों का आकलन करवा रही हूँ कि फसलों का कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि एक दो पौध ऐसी है, एक पौध जिसको इस पानी का कुछ लाभ हुआ है, अन्यथा बाकी फसलों को काफी नुकसान हो गया है और उस नुकसान का आकलन बिल्कुल ठीक तरीके से होगा। और आप गांव-गांव में जाकर के किसान बंधुओं को कह दीजिएगा कि बिल्कुल ठीक से आकलन होगा और फसल बीमा योजना का ठीक से लाभ झांसी और ललितपुर संसदीय क्षेत्र के और जालौन संसदीय क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। नितिन जी मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, मुझे तो ज्यादा बोलना ही नहीं है क्योंकि मैं तो झांसी में बचपन से बोल रही हूँ। जब 8 साल की थी तब से मेरे प्रवचन चले हैं और फिर झांसी के लोगों ने मुझे सांसद बना दिया और 2 लाख वोटों से मुझे यहाँ से जिता करके भेजा और मैं तो इतनी निकम्मी सांसद साबित हुई हूँ। मैं आपको बताऊं, जैसे भानु भैया हैं, मैं उनके उल्टे साबित हुई हूँ। वो इतना गांव गांव में जाकर के घूमते हैं और मेरी हालत ये रही कि मैं सचमुच में जिस तरह से मुझे आपसे संपर्क करना चाहिए था मैंने किया नहीं, लेकिन फिर भी आपकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है क्योंकि लोग मुझे कह रहे हैं कि कहीं भी आप मेरी निंदा नहीं करते हो और आप कहीं भी ये नहीं कहते हो कि दीदी घूमी नहीं है। ये आपकी कृपा है और मैं इस आपकी कृपा का बोझ किसी ना किसी प्रकार से जीवन पर्यंत जब तक मरूंगी नहीं मैं उतारती रहूंगी झांसी और ललितपुर के संसदीय क्षेत्र का जो एहसान मेरे ऊपर है। नितिन जी से मेरी पहली मुलाकात कब हुई, यद्यपि जब मैं अटल जी के साथ मंत्री थी तो वो उल्लेख करते हैं कि उनकी मेरी मुलाकात हुई है तब वो महाराष्ट्र में मिनिस्टर थे, लेकिन मुझे उनकी जरूरत तब महसूस हुई जब मुझे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया और मैं वहां की सड़कों को लेकर बहुत परेशान थी।
मध्य प्रदेश की सड़कों में गड्ढे नहीं थे बल्कि गड्ढों में सड़कें थी, और ऐसी स्थिति में हम कैसे उभरेंगे, इसके लिए मैंने नितिन जी की शरण ली। क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर जो सबसे बड़ी देन मानी गई है देश की, वो सड़कें मानी गई हैं। उन सड़कों का पूरा रचनाकार जो था वो नितिन गडकरी जी थे, जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसलिए मैं नितिन जी को मैंने अनुरोध किया, उन्होंने अपने सलाहकार को भेजा कि हमें मध्य प्रदेश की सड़कों को कैसे ठीक करना है, नई सड़कों का निर्माण कैसे करना है और पुरानी सड़कों को कैसे ठीक करना है। फिर इसके बाद मैं पार्टी से बाहर थी, नितिन जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषित कर दिया कि मैं उमा भारती को भाजपा में वापस लेके रहूंगा। अब मेरी स्थिति ऐसी बन गई कि नितिन जी से मेरा संपर्क भाजपा में आने से पहले ही हो गया, और जब मैं भाजपा में वापस लौटी उन्होंने गंगा मुझे सौंपी, गंगा का काम मुझे सौंपा, और जब तक मैं गंगा की मंत्री रही उन्हीं के मार्गदर्शन में गंगा का काम करती रही। जब मैं यहां से सांसद हुई तो मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, बल्कि मैं उनकी एक बात आपके सामने खोल रही हूं, मैंने उनको कहा कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना, तो उन्होंने कहा आपको ये बात शोभा नहीं देती, आप योद्धा हो और योद्धा को युद्ध जरूर करना चाहिए, उन्होंने मुझे ये कहा। और 2014 का चुनाव लड़ाने में और फिर मुझे केंद्र में मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर का मंत्री बनवा लेने में भी उनका एक अहम रोल रहा। जब मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी राजनाथ जी के साथ, तो उसमें भी उनका अहम रोल रहा। आज मेरी बहुत इच्छा थी कि अगर ये दुर्भाग्यवश 2-3 घटनाएं जो हमारे देश में घट गई, और कल से आज सुबह तक क्षेत्र में जो बारिश की स्थिति बन गई, हम उनका बहुत अच्छा स्वागत करना चाहते थे। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूं, और मैंने उनको दिखाया कि रानी लक्ष्मीबाई जी का जो किला है वो सामने दिखाई दे रहा है, और मैं वो स्वयं उस किले की गाथा से बहुत प्रभावित थी, और इसलिए मैंने यहाँ प्रोग्राम रखवाया। मैंने कहा कि प्रोग्राम वहां रखना है जहां से रानी लक्ष्मीबाई का किला दिखाई देता हो, क्योंकि इस किले को देख करके ही हम लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार होता है और एक देशभक्ति का, देश पर मरण मिटने की प्रेरणा का भाव उत्पन्न होता है। केशव मौर्य जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, जब ये प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष बने उसी समय पर मीडिया ने ये सर्वे करके कह दिया था कि अकेले इनके आने से 7% वोटों की बढ़ोतरी हुई है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में। और जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी उसमें केशव मौर्य जी के अध्यक्ष होने का बहुत बड़ा योगदान रहा, और इसलिए केशव मेरे भाई जैसे हैं, मेरे बहुत परम आत्मीय हैं। आज वो भी यहाँ पर आए हैं, मुझे उनके लिए भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमसे जितना बन सका झांसी और ललितपुर क्षेत्र के लिए हमने मांगा और हमें मिला, इसलिए डिफेंस कॉरिडोर जिसका टोटल जो निवेश है वो 20,000 करोड़ का है, लेकिन अकेले झांसी उसका हेडक्वार्टर है और उसका निवेश 3,000 करोड़ का है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत वर्ष की एक अभूतपूर्व पेयजल योजना है बुंदेलखंड की पाइप के द्वारा, जो पेयजल योजना है ये भारत में बुंदेलखंड एकमात्र इलाका है जहां 9,000 करोड़ की पाइप की पेयजल योजना है, जिसमें कि अमृत योजना के अंतर्गत ललितपुर और झांसी भी, यानी पूरी झांसी नगर की पेयजल योजना का भी समाधान होगा, ललितपुर नगर की पेयजल योजना का भी समाधान होगा, सभी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं की भी पेयजल योजना का समाधान होगा, और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के हर गांव को पाइप के जरिए सरफेस वाटर पहुंचाया जाएगा, और एक भी घर नहीं होगा जहां पर कि पीने का पानी नहीं होगा। और ये बहुत बड़ी घटना है जो मुझे विश्वास नहीं होता है कि मेरे क्षेत्र के लोगों को इतना बड़ा उपहार प्रधानमंत्री जी दे करके गए हैं। इसी प्रकार से अभी कुछ घोषणाएं केशव जी ने की, और भी कुछ बातें हैं जो आपके पास विज्ञप्ति के जरिए, अखबार के जरिए आप लोग पढ़ लोगे, लेकिन मैं केशव जी की जानकारी में ला रही हूं और आपकी भी जानकारी में है कि दो चीजें बिल्कुल दहलीज पर हैं। एक है फूड प्रोसेसिंग पार्क, जिसका एक कमी हमारी तरफ से है कि हम निवेशक नहीं ढूंढ पाए हैं, बाकी जमीन एक्वायर हो गई है, झांसी में भी जमीन है और ललितपुर में भी जमीन है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग पार्क वो चीज है जिससे गरीब आदमी का आर्थिक रूप से जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, इसलिए दोनों जिलों में फूड प्रोसेसिंग पार्क की बिल्कुल तैयारी है, थोड़ी सी कसर रह गई है। चुनाव के बाद केशव मौर्य जी से मेरी बात हो चुकी है और चुनाव के बाद में फूड प्रोसेसिंग पार्क की रही सही कसर पूरी हो जाएगी। मैंने नितिन जी को बताया है कि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में दलहन तिलहन के अलावा यहाँ प्याज होता है, आलू होता है, टमाटर होता है, मिर्च होती है, और अगर ठीक से फूड प्रोसेसिंग पार्क लग जाए
तो यहाँ के दो दो एकड़ के किसान वाले, जो दो दो एकड़ की खेती करने वाले किसान हैं, वो भी लाखों की खेती कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जमीन है वो बिल्कुल इसराइल से मिलती है और यहाँ का जो मौसम है वो भी इसराइल से मिलता जुलता है। इसलिए यहाँ का जो आयुर्वेद का जो विद्यालय है उसमें हमने उसकी फैकल्टी भी खुलवाई और इसके लिए श्रीपाद नायक आए थे। इसी के लिए मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी को बुलवाया और यहाँ स्किल डेवलपमेंट खुलवाया। वो इसी के लिए था ताकि यहाँ के जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, यहाँ मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज देखी जिसने मुझे भारी चिंता में डाल दिया है, और वो ये है कि लोग पढ़ लिख गए हैं लेकिन बेरोजगार हैं। जो लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे उनको अपने हाथ से खेती करने में दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन जो पढ़ लिख गए, बीए पास हो गए, 12 पास हो गए, और वो उन हमारे यहाँ कहते हैं बुंदेलखंडी में कि उनके हाथ कोरे आ गए हैं, यानी हाथ कोमल हो गए हैं, तो वो खेत में काम भी नहीं कर पाते, नौकरी भी नहीं लगी, रोजगार भी नहीं लगा, और बुंदेलखंड में बहुत बड़ी संख्या बेरोजगारों की खड़ी हो गई। इसलिए मुझे यकीन है कि डिफेंस कॉरिडोर और फूड प्रोसेसिंग पार्क, ये वो चीजें हैं जो बुंदेलखंड से बेरोजगारी को जड़ से उखड़ करके फेंक देगी। और जो पेयजल योजना आई है वो यहाँ की संपूर्ण पेयजल की समस्या का समाधान करेगी। बुंदेलखंड के लोगों ने कभी मांगा नहीं है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी जैसा कि कह करके गए कि हम अधिकार के लिए लड़े हैं, और पूरे अधिकार से हमने लड़ाई की। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में लड़ाई की, कई मंत्रालयों में लड़ाई की, जिसका प्रधानमंत्री जी जिक्र करके गए, क्योंकि मुझे याद था कि लड़ाई दो तरह की होती है, एक गीदड़ की होती है और एक शेर की होती है। शेर शिकार करता है और खा करके चला जाता है, और गीदड़ पेड़ की ओट में छुप के बैठे होते हैं कि जब शेर राजा चले जाएंगे तो हमें खाने को मिलेगा, और फिर वो उस जूठन के ऊपर टूट पड़ते हैं। इसलिए अपना अधिकार हासिल करने के दो तरीके हैं, या तो शेर की तरह झपट्टा मार के अपना शिकार खुद करो, या गीदड़ की तरह जूठन खाओ। हम बुंदेलखंडी गीदड़ की तरह जूठन खाने वाले लोग नहीं हैं, हम तो शेर की तरह झपट्टा मारेंगे और अपने सम्मान और अपने अधिकार का उसको हासिल करके रहेंगे। यही सामने जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, वो एक साल में जब उसने यहाँ राज किया था 1857 से 1858 तक, वो यही बात सिखा करके गई थी कि आत्मसम्मान पर समझौता नहीं होगा। और इसलिए हम सभी लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि अब केंद्र में मोदी जी की सरकार है, इतनी बड़ी योजनाएं आ गई हैं, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब यहाँ की मनोकामना पूरी होनी चाहिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, बुंदेलखंड कॉरिडोर है, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर है, बुंदेलखंड के लिए पेयजल योजना है, यानी बुंदेलखंड के नाम से सब हो गया, अब खाली नामकरण संस्कार भर शेष रह गया है, बाकी कोई कसर नहीं बची है एक क्षेत्र के विकास के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। और इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारे सभी विधायकगण यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बगल के पड़ोसी सांसद भानु वर्मा जी बैठे हैं, और नितिन गडकरी जी जैसे व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, जिनके स्वभाव में ही विकास की बात है। वो जब भी बैठेंगे तो हम कोई भी बात करेंगे, वो कोई ना कोई हमें बात बता देंगे कि इस चीज में फायदा कैसे हो सकता है, ये मैंने उनकी विशेषता देखी है। और एक और योग है जो मैं आज याद कर रही थी, जब मैं चरखारी में थी तो शिवरात्रि में ही वो आए थे, और अभी भी कल शिवरात्रि लगने वाली है और नितिन गडकरी जी यहाँ पर हैं। एक अद्भुत संयोग है कि आज वो यहाँ पर मौजूद है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सभी अधिकारीगणों को, और जो योजनाओं की उन्होंने पूरी फेहरिस्त बनाई, बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो चुका है, नितिन जी ने मुझे कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। सीआरएफ से हमें बहुत सड़कें मिली हैं, झांसी और ललितपुर में बहुत जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी की सड़कें हैं वो बहुत मिली हैं। इसलिए मैं तो नितिन जी को ये कहूंगी कि आपने तो हमें बिना मांगे ही बहुत कुछ दे दिया है, आज तो आप आओ और हम आपका अभिनंदन करें, आपका स्वागत करें, आपका आभार व्यक्त करें, आपको धन्यवाद दें। आज इसी बात के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और पूरे देश के सामने मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने दुनिया में एक से एक काबिल लोग देखे हैं, लेकिन विकास की ऐसी सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति, नितिन गडकरी जैसा व्यक्ति मैं पूरे संसार में घूमी हूँ, देखी हूँ, लेकिन डेवलपमेंट की जो समझ होती है, जिसमें कि नीचे से कैसे ऊपर उठाना है किसी प्रक्रिया को, धरती से उठा करके कैसे ऊपर ले जाना है, ये प्रक्रिया का जो ज्ञान है और जो साहस है वो उनके अंदर है। मैं अपनी धरती पर उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और आप लोगों को भी मैं
बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और एक प्रकार से ये मेरी आखिरी सभा है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मैं वोट मांगने के लिए जरूर आपके बीच में आऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज मैं गाने की एक लाइन याद कर रही थी, क्या था, दिल की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना और गुण तो ना थो कोई भी अवगुण मेरे भुला देना। मेरे अंदर गुण तो कोई नहीं थे लेकिन अवगुण मेरे जरूर भुला देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जरा उठाइए हाथ, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस उठे हुए हाथ का बहुत महत्व है क्योंकि पूरा संसार भारत की शक्ति, भारत के ओज और भारत के तेज से प्रभावित है। भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति और सैन्य महाशक्ति में बदलने वाला है, मिलिट्री सुपर पावर और इकोनॉमिक सुपर पावर में बदलने वाला है। इसलिए आज के जो हाथ उठेंगे वो महारानी लक्ष्मीबाई की आत्मा को भी संतोष प्रदान करने वाले हाथ होने चाहिए। उठाइए जरा हाथ, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।